इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे आइटम की प्राइसिंग ओपन कैसे रखना है। ओपन यानी आप खुद मैन्युअली आइटम की प्राइसिंग एंटर कर सकते हो। तो अभी जो आइटम है यहाँ पर मान लो कि वेज स्ट्रिक्ट है, इसकी 600 है, तो इसकी प्राइसिंग फिक्स है। अगर आपको मैन्युअली एंटर करनी है आपके हिसाब से, तो आप किस तरीके से कर सकते हो वो चीज़ हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको TMBL Atlantic बैकेंड पैनल में जाना है, आउटलेट मेनू में जाना है। अब जो आउटलेट मेन्यू यहाँ पे एक्टिव है डिफ़ॉल्ट, उसको एडिट करना है। अब मानो कि मुझे वेस्ट स्टिक की प्राइसिंग ओपन करना है। ओपन यानी मैन्युअली आप उसकी प्राइसिंग आपके हिसाब से आप एंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 0। जैसे इसकी प्राइसिंग 0 हम लोग सेट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी प्राइसिंग एज क्या कंसिडर होती है, ओपन प्राइसिंग कंसिडर होती है। तो हम लोग चीज़ स्टिक की प्राइसिंग भी 0 डाल देते हैं, तो ये ओपन आइटम कंसिडर होंगे। अपडेट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अटलांटिक की ओर, लोड मेन्यू। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा वेस्ट स्टिक ओपन प्राइसिंग, और शायद हम लोगों ने और एक स्टिक लिया था, चीज स्टिक। तो ये इसकी प्राइसिंग भी क्या हो चुकी है, ओपन। तो हम लोग अगर एक टेबल सेलेक्ट करते हैं और उसको उस आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये पूछेगा आपको प्लीज एंटर द न्यू प्राइस। इफ वी आर एंटरिंग 200, 120, जो भी आपको एंटर करनी है वो आप एंटर कर सकते हो। आप वेस्ट की प्राइसिंग एंटर करनी है आपको 200, तो आप 200 एंटर कर सकते हो। तो इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, बिलिंग कर सकते हो। फिर से आपको अलग टेबल आप सेलेक्ट कर रहे हो, फिर इसकी प्राइसिंग आप सेलेक्ट कर रहे हो 800, ओके, सेव, बिल एंड पेड। तो इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ओपन प्राइसिंग सेट करते हो अटलांटिक पॉस के अंदर। इफ यू नीड एनी सपोर्ट, आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो हमें। थैंक यू।